देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस दौरान रघु शर्मा ने कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के निर्माता ही नहीं औद्योगिक क्रांति के जनक भी थे। भारत के लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए पंचायती राज योजना लेकर आए। इसी के साथ देश की बड़ी संस्थाओं का निर्माण उनके कार्यकाल में शुरू हुआ। इसी तरीके से स्वतंत्रता के समय जो देश की नींव रखी गई वो इतिहास के पन्नों पर आज भी है और उन्हीं के दिखाए हुए मार्ग पर फिलहाल सभी लोगों को चलने की आवश्यकता है। आज देश के प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की पुण्यतिथि है। पूरा राष्ट्र श्रद्धा से उनको नमन करता है। वो आधुनिक भारत के निर्माता ही नहीं थे, इस देश में औद्योगिक क्रांति के जनक थे। जिस वक्त देश आजाद हुआ सुई नहीं बनती थी, उस देश में औद्योगिक क्रांति की नींव उन्होंने जिस रूप में डाली और जिस वैज्ञानिक सोच के साथ उन्होंने देश में काम किया प्रधानमंत्री के रूप में, भारत के लोकतंत्र को सुदृढ़ करने के लिए चाहे पंचायती राज संस्थाओं की नींव डाली हो, वो सामाजिक न्याय और समानता के भी पुरोधक थे और देश के सर्वश्रेष्ठ संस्थानों का निर्माण उनकी सोच के आधार पर हुआ। पंचवर्षीय योजनाओं की नींव उन्होंने रखी और पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से देश में विकास का सपना जो नेहरू जी ने देखा उसी का परिणाम रहा कि इस देश में बड़े बड़े बांध बने, कल कारखाने बने, हमारे जो एम्स बना, आईआईटी आई, कल कारखाने लगे और जिस तरह की हमारी संस्थाएं का निर्माण हुआ। तो इसका परिणाम आज देश कितना तेजी से आगे बढ़ रहा है। जो नींव उन्होंने रखी वो इतनी मजबूत नींव थी कि इतिहास के पन्नों में नेहरू जी का योगदान इस देश के लिए स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा और इसीलिए उनकी पुण्यतिथि पर आज हम उनको सत सत नमन